फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो जरूर बताइएगा। और टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं, अभी धो करने चला गया है और कौशिक ऊपर वॉशिंग मशीन रिपेयर कर रहे हैं। मैं पनीर बनाने वाली हूँ, घी निकालूंगी। और पनीर आज मैंने 5 बार दूध नहीं लिया था, 15 दिन हो गए हैं मुझे पनीर बनाए हुए, तो वो बनाऊंगी मैं। और लॉकडाउन में मैंने बहुत ही पनीर की सब्जी बनाई थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, रेस्टोरेंट स्टाइल की सारी रेसिपी मैंने बना दी थी पनीर की। और आपके साथ मैंने 2 बार और आज 3 बार रेसिपी शेयर करूंगी। और मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी, वो फटाफट और इंस्टेंट बन जाती है, जिसको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है, टाइम लगता है, तो ये बहुत ही क्विकली बन जाती है। तो और लच्छा पराठा भी बनाऊंगी, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक साइड घूम रहा है और एक साइड आवाज कर रही है, नहीं हुआ मेरा मशीन रिपेयर। चलो मैं किचन में आ गई हूँ और मेरा मशीन रिपेयर नहीं हुआ है। कौशिक फिर से उसे खोल रहे हैं और गियर बॉक्स नया लगवाना पड़ेगा। यहाँ हमें 3 साल हो गए हैं और 3 साल में मुझे 3 बार मेरी मशीन खराब हो गई है, तो रिपेयर करना पड़ता है। नया लेंगे तो भी यही प्रॉब्लम होगी। तो चलो, मैंने तो मक्खन निकाल लिया है, पनीर भी बना दिया है, और ये भूल जाती हूँ एप्रन हमेशा, तो ये पहन लेती हूँ, कपड़े बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। और घी भी बना लिया है मैंने। और अब मैं सब्जी बना लूँगी। आटा मैंने गूंद लिया है और आटा में मैंने नमक और ऑयल डालकर गूंद लिया था, तो इसे रख देती हूँ हम। चलो तो पनीर की सब्जी बनाते हैं। मैंने यहाँ 2 छोटे साइज के प्याज लिए हैं, टमाटर है, पीस है, हरा गार्लिक है, कैप्सिकम है, चिली से और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और पनीर मैंने लिया है, बाकी सूखे स्पाइसेस। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल लिया है और 2 चम्मच छोटा वाला है, तो 2 चम्मच हम घी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 लौंग है और 1 इलायची को कूट लिया है, वो डालेंगे। सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, मन करता है तो डालती हूँ वरना नहीं डालती हूँ। तो चलो इसमें हम जीरा डालेंगे, थोड़ा थोड़ी हींग डाल देंगे। चलो ये हो गया है, तो हम जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, चलो अनियन डाल देंगे, ये हो रहा है तब तक हमें पनीर को क्रम्बल कर लेना है। इस बार मुझे पनीर भुर्जी बनानी थी तो इसलिए मैंने इसे पीस नहीं किया है, हाथों से ही क्रम्बल कर लेना है। चलो ये हो गया हमारा। ये पिंक कलर हो गया है, अब हम इसमें कैप्सिकम, हरा लहसुन और पीस डाल देंगे। हमारा फ्राई हो गया है, इसमें मैं हल्दी मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी। अब हम इसे टमाटर डालेंगे इसमें। इसे हमें ढककर छोड़ देना है 5 मिनट के लिए।
हमें इसमें स्पाइसेस करने हैं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, ये भी खत्म हो गया। चलिए इसे डाल देते हैं। और गरम मसाला, चलो मसाला भी हमारा भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसे हमें फिर से ढककर 5 मिनट के लिए रखना है। तेल हमारा रिलीज हो गया है, इसमें हम अब डालेंगे पनीर। अब हमें इसे और नहीं पकाना है, वरना पनीर हो जाएगा रबर जैसा, चुई हो जाएगा। तो 2-3 मिनट ही हमें पकाना है इसे। चलो देख लेते हैं, सब्जी में से तेल छूटने लगा है, तो अभी इसे हम बंद कर देते हैं। हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है यहाँ पर। चलो हमारी पनीर भुर्जी बनकर रेडी हो गई है। मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है, अभी से हमें लोइया बना लेनी है। चलो इसे बेल लेना है हमें। रोटी को आपको बड़ा ही बेल लेना है पहले। मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, आप चाहो तो बटर भी ऑयल ले सकते हो। गार्लिक पराठा बनाना हो तो इसमें आप बटर और गार्लिक डालकर मेल्ट कर लेना, फिर इस पर अप्लाई करना है। पर आप उसे दही के साथ खा सकते हो, और हम सब्जी के साथ खा रहे हैं इसलिए मैं ऑयल में बना रही हूँ। इसमें हमें ऑयल अप्लाई कर देना है अच्छे से। चलो ये हो गया है हमारा, ऊपर हम आटा छिड़क देंगे। अब हमें पिज्जा कटर से ऐसे स्ट्रिप कर लेनी है, पतली पतली। पिज्जा कटर से ही अच्छे से होगी। इसको हमें अच्छे से ऐसे कर लेना है, फिर इसके ऐसे लोई बना लेनी है हमें। चलो ऐसे, इसे हम बेल लेते हैं। इसकी मोटाई इतनी रखनी है। मैंने इस तरह से की सारी लोइया बना ली है। इसे हमें ऐसे ऐसे कर लेने हैं, इसकी लेयर सारी खुल जाएगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll have. चलो हमारी लंच की थाली रेडी हो गई है। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm
happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not. गुड इवनिंग. शाम के 4:30 बज चुके हैं. मैंने कौशिक को सुबह काम दे दिया था वॉशिंग मशीन रिपेयर करने का, और उसने मुझे ये सारी शर्ट शॉर्ट करनी है, फिटिंग करनी है और एप्पल कट करना है. तो ये सारा काम दे दिया. थप्पी है देखो, अभी 2-3 निकाली भी नहीं है. तो चलो ये करके आते हैं, फिर हम जाते हैं वॉक करने. चलो मैंने सारे शर्ट को कर दिया शॉर्ट और साइड फिटिंग भी. इसे प्रेस करना है अभी. चलो 6 बज चुके हैं और मैं वॉक करने जाती हूँ. आकर करूँगी प्रेस इसको. चलो 7 बज चुके हैं, मैं वॉक करके आ गई हूँ. और वेद का तो दोपहर का 2 पराठे पड़े हुए हैं और सब्जी रखी हुई है, तो उसका तो हो जाएगा. मेरा बनाना बाकी है और मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, झटपट सा कुछ बन जाए ऐसा बनाती हूँ. और चलो तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ. और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.